हेलो गाइज जल्दी से चेक करो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी रिप्लाई कीजिएगा गाइज फटाफट से इज इट ऑल गुड ऑल ओके फ्रेंड्स रिप्लाई करो फटाफट फड़ से हेलो एवरी वन कनिका वेदिका बिंदु करण एवरी वन हु जॉइन चेतन हेलो गुड इवनिंग दिनेश जल्दी से फटाफट फड़ से चेक कीजिएगा साउंड प्रॉपर है ऑल ऑल क्लियर गुड ओके चलेगा स्टार्ट करते गाइज फटाफट फड़ से आइएगा यस यस बिफोर वी स्टार्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लास्ट लेक्चर गाइज ड्यू टू नेटवर्क फेल्यूर कल का लेक्चर हमें कैंसिल करना पड़ा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट इमीजिएटली आज हम लोग लेक्चर ले रहे हैं सो बॉयज एंड गर्ल्स आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हम लोग कवर करने वाले चलेगा हाई एवरी वन नाउ कॉन्सनट्रेट गाइज अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा लेक्चर स्टार्टेड थैंक यू सो मच आगे फ्रेंड्स आज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले जो हमारे पार्ट वन जो नोट्स उसमें से था ओवर चेक करने वाले हैं, uh, uh, -फड़ है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. Friends, girls, पूरा के साथ यहां पे ध्यान दीजिएगा सब लोग चलेगा गुड इवनिंग फ्रेंड्स बॉयज एंड गर्स ओवरहेड टॉपिक स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तब एक एग्जाम्पल दिया था अगर आपको के अंदर क्या किया था। girls, सबसे पहले तो अगर आपको याद आ रहा था फैक्ट्री का फर्स्ट डे है जी हाँ फैक्ट्री का जो है वो फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में आपने कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किया गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो इमीजिएटली कस्टमर भी आ गया आपके पास और कस्टमर को आपके वो जो गुड्स है वो चाहिए कस्टमर ने आपसे पूछा भाई कितने में बेचेगा इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है तो कॉस्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले कॉस्ट आता है मटीरियल का कॉस्ट जी मटेरियल हाँ. कॉस्ट के बाद आपका आता है गाइस लेबर लेबर का कॉस्ट के बाद हमने देखा था वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड के बाद हम लोगों ने देखा था फिक्स्ड ओवरहेड ये एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो ये आएगा आपका टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड करके आ जाएगा आपका सेल्स वैल्यू सो so, पहले दिन कुछ दस यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए कस्टमर आपके पास आए और कस्टमर बोल रहे हैं जी हाँ मुझे ये दस यूनिट चाहिए आप ये दस यूनिट कितने में सेल करेंगे कितने में बेचेंगे ये कस्टमर आपसे पूछ रहा है सो बॉयज एंड गर्ल्स मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट आप इमीजिएटली कैलकुलेट कर सकते हो कि वो दस यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना मटीरियल लगा क्योंकि सपोज आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक रहेगा या फिर आज आपने कुछ परचेसेस किया रहेगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया आ जाएगा आपका मटीरियल कंजन राइट है लेबर इमीजिएटली आपको कैलकुलेट करते आएगा आपको किसी का वेट करना नहीं पड़ेगा लेबर कैलकुलेशन करते हुए क्योंकि लेबर कैलकुलेशन में क्या भाई कितने वर्कर प्रेजेंट थे क्या रेट ऑफ आवर्स है एक्सेट्रा तो लेबर का कैलकुलेशन भी इजी है मैंने एग्जाम्पल लिया था वेरिएबल ओवरहेड यानी इलेक्ट्रिसिटी मैंने एग्जाम्पल लिया था फिक्सड ओवरहेड यानी रेंट ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आएगा मंथ एंड में आएगा और जो रेंट है वो एग्जैक्ट कितना चार्ज करना है ये कब पता चलेगा मंथ एंड में क्योंकि रेंट का अमाउंट तो फिक्स है जी कैसे रेंट का अमाउंट तो फिक्स है लेकिन आप एक महीने में कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने वाला है ये फ्यूचर इवेंट है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सामने वाले को बोल दिया देख भाई अभी तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया ये तो पहला दिन था हमारा बोनी है फैक्ट्री का फर्स्ट डे इलेक्ट्रिसिटी बिल तीस दिन के बाद आएगा अगले महीने में आएगा रेंट हमें पता कितना है लेकिन कितना चार्ज करे ये नहीं पता तो एक काम कर भाई तू रुक जा जब अगले महीने एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा हमने कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया अकॉर्डिंगली हम आराम से कैलकुलेट कर सकते कि दस यूनिट जो आपका ऑर्डर है उसके लिए कितना रेंट लगा कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा जा भाई एक महीने के बाद आ जा वो आपके लिए रुकेगा नहीं इसका मतलब क्या है आपको एडवांस में एक रेट कैलकुलेट करना है तो ये टॉपिक का बैकग्राउंड था वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का आपको एडवांस में प्री डिटरमाइन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज ठीक है तो ये

सबसे पहला स्टेप है ओके स्टॉप मैसेजिंग जी हाँ सब लोगों का मैसेजेस आ चुके हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ नेक्स्ट हाफ आवर और वन आवर जो भी कुछ ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं पूरा की पूरा फोकस रखिएगा पूरा की पूरा यहां पे ध्यान दीजिएगा आराम से आपका सब कुछ रिकॉल हो जाएगा जी हाइज सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका आएगा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड जी हाँ बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहला जो स्टेप है वो आएगा आपका कलेक्शन ऑफ ओवरहेड कहां से कलेक्ट करना है पास्ट रिकॉर्ड अकाउंटिंग एंट्री बिल इनवॉइस एंड चलन और अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो प्रेडिक्शन करेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर कितना कॉस्ट लगेगा ठीक है सो so, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ओवरहेड सेकेंड अगर आपको याद आ रहा है नो बॉयज एंड गर्ल्स अलोकेशन ऑफ ओवरहेड में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया था वो था लोकेशन लोकेशन के अंदर हमें वर्कआउट क्या करना है जो स्पेसिफिक ओवरहेड है जी हाँ जो स्पेसिफिक ओवरहेड है जो एक ही डिपार्टमेंट के ओवरहेड है जो कॉमन ओवरहेड नहीं है वो सारे की सारे ओवरहेड स्पेसिफिक ओवरहेड जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको आपने चार्ज कर दिया जिस डिपार्टमेंट का वो एक्सपेंसेस था वो डिपार्टमेंट को पूरा की पूरा आपने चार्ज कर दिया मतलब ये हुआ आपने लोकेशन फाइंड किया और पूरे की पूरे ओवरहेड वो डिपार्टमेंट के लिए चार्ज कर दिया हमने एक एग्जांपल दिया था अगर आपको याद है एग्जांपल था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू ये अपन ने एग्जाम्पल लिया था एंड मैंने आगे आपको बोला था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन इज अ मशीन ओरिएंटेड

अलोकेट करना है जिस डिपार्टमेंट का वो एक्सपेंसेस था जैसे मैंने आपको बताया बाकी किसी और डिपार्टमेंट के अंदर मशीन नहीं था सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के अंदर मशीन था तो जो मशीन का डिप्रिसिएशन है इंश्योरेंस है रिपेयर है मेंटेनेंस है एंटायर कॉस्ट विल बी चार्ज टू डिपार्टमेंट वन आहो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है एंड बिल्कुल याद आ रहा है गाइज सो so, जो स्पेसिफिक ओवर है जो कॉमन ओवरहेड नहीं है आपको पता है ये ओवरहेड एक ही डिपार्टमेंट का है चार्ज दैट ओवरहेड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हमने एक और एग्जाम्पल लिया था सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एक सर्विस डिपार्टमेंट है बॉयज एंड गर्ल्स आपका कैंटीन ओके okay. कैंटीन so, रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपेंसेस है फूड के एक्सपेंसेस है कैंटीन के जो बेंचेस है सर्विस डिपार्टमेंट टू कोलोकेशन ऑफ ओवर के अंदर हम लोगों को क्या करना है हम लोगों ने जो स्पेसिफिक ओवर है वो आइडेंटिफाई किया और जिस डिपार्टमेंट के वो ओवरहेड है उस डिपार्टमेंट को बिल्कुल हम लोगों ने वो चार्ज कर दिया है चलिए अलोकेशन ऑफ ओवरहेड यानी गाइस टोटल ओवरहेड का दो पार्ट हो गया फिर एक हो गया आपके स्पेसिफिक ओवरहेड एंड दूसरा हो गया आपका गाइस आपके कॉमन ओवरहेड कॉमन ओवरहेड का परफेक्ट एग्जांपल इज रेंट कॉमन ओवरहेड का एग्जांपल आएगा सर जी रिपेयर में लाइटिंग ये हो गया आपके कॉमन ओवरहेड तो कॉमन ओवरहेड का करना क्या है आपको स्टेप नंबर थ्री पे जाना है और आपका जो स्टेप नंबर थ्री है कॉमन ओवरहेड्स का आपका जो स्टेप नंबर थ्री है कॉमन ओवरहेड्स का वो स्टेप नंबर थ्री है एपोर्शनमेंट एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑन सम सुटेबल बेसिस अगर आपको याद आ रहा है हमने यहां पे वर्ड यूज किया था जो कॉमन ओवरहेड है वो सुटेबल बेसिस के ऊपर हर एक डिपार्टमेंट को आपको अपोर्शन करना है अपोर्शन में हम लोगों ने अंडरलाइन किया था पोर्शन इफ यू रिमेंबर गाइज एपोर्शनमेंट में हम लोगों ने अंडरलाइन किया था पोर्शन थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा तो ये था आपका अपोर्समेंट ऑन सम बेसिसबल बेसिस नाउ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन बेसिस आ जाइएगा आपका जो वर्किंग uh, है उसमें आ जाइएगा जी बॉयज एंड गर्ल्स बुक के अंदर आपको काफी सारे मैंने दे दिए जो कॉमन ओवरहेड है उसका बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है सबसे पहला कॉमन ओवर रेंट रेट्स इलेक्ट्रिसिटी सॉरी रेंट है बिल्डिंग है एंड फायर प्रिकॉशन एक्सपेंसेस है तो रेंट हो गया बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया या फिर फायर एक्सटिंग के एक्सपेंसेस एक्सेट्रा हो गए तो दीज एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ठीक है जितना एरिया ऑक्यूपाइड है जो डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंगली हम लोगों को चार्ज करना पड़ेगा एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू है प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट वन है सर्विस डिपार्टमेंट टू है इनका जो स्क्वायर फीट में एरिया है सपोज दस है यहाँ पे पांच है यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है आपका जो रेंट पे किया था ट्वेंटी हो गया आई एम सॉरी ये दो है ओके okay. आपने जो रेंट पे किया था बॉयज एंड गर्ल्स आपने रेंट पे किया था सपोज टेन थाउजेंड रुपीज का रेंट पे किया था टेन थाउजेंड रुपीज का रेंट कॉमन है इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस ऑफ एनी डिपार्टमेंट तो ये टेन थाउजेंड सब में बटेगा पीडी वन पीडी टू एस डी वन एस डी टू कौन से रेशियो के अंदर बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया फ्लोर स्पेस के रेशियो के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना होगा गाइज अगर आपने फ्लोर स्पेस का टोटल ले लिया दस हजार प्लस पांच हजार प्लस तीन हजार प्लस दो हजार आपका जो टोटल आ रहा है वो ट्वेंटी थाउजेंड आ रहा है सो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड केस के अंदर आएगा दस हजार सो बॉयज एंड गर्ल्स आपका जो आंसर आ रहा है पहले केस में आपका आंसर आएगा 5000, ठीक है, next case में 2, 500, next case में 2500, 1500 और next case के अंदर आएगा आपका 1000. Uh, मैंने correct किया, लोकेशन देख लेना ठीक है सो so, रेंट कौन से रेशो के अंदर आप एपोर्शन करेंगे थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा फ्लोर स्पेस एरिया के रेशो के अंदर आपको अपोर्शन करना है अगला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अ लाइटिंग गाइज लाइटिंग कौन से रेशो के अंदर आपको अपोर्शन करना है गाइज लाइटिंग आपको लाइट के रेशियो के अंदर अपोर्शन करना है लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लाइट पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं पढ़ना मत आंसर दो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए हैं लाइटिंग का एक्सपेंसेस दिया सपोज लाइटिंग के जो एक्सपेंसेस है वो दिए टेन थाउजेंड रुपीज लेकिन यू डोंट हैव नंबर ऑफ लाइट लाइट पॉइंट्स अगर पॉइंट दिया तो ठीक है लाइट पॉइंट के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए तो लाइटिंग के एक्सपेंसेस कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगा दिनेश जी का सबसे पहले आंसर आ चुका है और दिनेश जी ने आंसर दे दिया जी हाँ सर जी ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा फ्लोर 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 स्पेस 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 के 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 में 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 कौन से रेशो में? के रेशो में. जी के रेशो के अंदर जो है वो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है राइट एगैस एकदम बराबर है सो so, याद रखियो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ लाइट्स नहीं दिया हुआ है लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है तो वो जो लाइटिंग के एक्सपेंसेस है आपको अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस परफेक्ट है ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेव मी करेक्ट आंसर फटाफट से आगे बढ़ता हुआ अभी डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपेंसेस है वो आपको अपोर्शन करना है इन द रेशो ऑफ फ्लोर स्पेस तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी फ्लोर एरिया के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग भी फ्लोर स्पेस फ्लोर एरिया के रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जी हा इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी रिपेयर भी कुछ खर्चा है वो कौन से रेशो के अंदर अपोर्शन करेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी जिस मशीन का वैल्यू ज्यादा है उसको ज्यादा आपको डिप्रिसिएशन लगेगा इंश्योरेंस ज्यादा लगेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा लगेगा सो बॉयज एंड गर्ल्स मशीन रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपेंसेस है मशीन का जो वैल्यू है ठीक है वो रेशो के अंदर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगला जो इंपॉर्टेंट केस है अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पॉवर जी हाँ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज बॉयज एंड गर्ल्स आपका पावर बॉयज एंड गर्ल्स पावर कौन से रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हॉर्स पॉवर इन टू मशीन आवर्स हॉर्स पावर इन टू मशीन आवर्स रिमेंबर रिमेंबर रनिंग आवर्स दिया रहेगा ऑपरेटिंग आवर्स दिया रहेगा दे आर नॉट मशीन आवर्स आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं लेकिन आपको स्पेसिफिकली मशीन अवर्स वर्ड यूज होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मशीन अवर्स यूज होना चाहिए तो हॉर्स पावर इनटू मशीन अवर्स ये जो रेशो आएगा ये रेशो के अंदर पावर का एक्सपेंसिस आप एपोर्शन करेंगे लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको हॉर्स पावर अगर नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ मशीन आवर दिया जाएगा तो पावर के एक्सपेंसिस मशीन आवर्स के रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जी हां अगर आपको क्वेश्चन में मशीन अवर्स नहीं दिया तो ऑब्वियसली हॉर्स पावर दिया रहेगा तो आपको वो हॉर्स पावर के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो याद रखियो याद रखियो गाइस हॉर्स पावर इनटू मशीन अवर्स लेकिन अगर हॉर्स पावर नहीं दिया है तो मशीन अवर्स मशीन अवर्स नहीं दिया है तो हॉर्स पावर याद रखियो इंपॉर्टेंट पॉइंट मशीन अवर्स यूज होना बहुत जरूरी है वहां पे अगर कोई और आवर्स दिया रहेगा ऑपरेटिंग आवर्स रनिंग आवर्स वॉट तो आप वो आवर्स कंसिडर नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली देर शुड बी मशीन आवर्स वर्ड यूज होना चाहिए तो ये था आपका पावर का एक्सपेंसिस हॉर्स पावर मशीन आवर्स ठीक है लेबर रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपेंसेस रहेगा वो नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशो के अंदर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस लेबर वेलफेयर टाइम कीपिंग का एक्सपेंसेस पर्सनल का सुपरविजन का एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है अगला इंडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशो के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसके बाद जनरल ओवर संड्री ओवर अदर ओवर कॉमन ओवर बाकी ऐसे कुछ भी वर्ड यूज किया रहेगा तो एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखियो जनरल अदर एक्सेट्रा अगर दिया रहेगा तो याद रखना आप यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं आपको मशीन के रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है या आपको लेबर अवर्स के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके जो डिपार्टमेंट से वो मशीन ओरिएंटेड रहेगा तो जो सन्ड्री है अदर ओवरहेड है जनरल ओवरहेड है वो आपको मशीन अवर्स के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ध्यान से सुनियो मैं आपको बोल रहा हूं गाइस, अगर यहां पे ध्यान दो अगर आपका डिपार्टमेंट मशीन ओरिएंटेड है आप कैसे मशीन ओरिएंटेड है कैसे लेबर ओरिएंटेड है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थोड़ा रुकिएगा रुको थोड़ा ंड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस मशीन आवर्स के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर आपके डिपार्टमेंट मशीन ओरिएंटेड रहेगा लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट लेबर ओरिएंटेड रहेगा तो संडी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस लेबर आवर्स के रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब कैसे आइडेंटिफाई करना मशीन ओरिएंटेड या लेबर ओरिएंटेड गाइज अगर आपको क्वेश्चन में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला क्या 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 अगर क्वेश्चन में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला तो ये कॉमन सेंस है कि आपकी डिपार्टमेंट मशीन ओरिएंटेड है क्वेश्चन में अगर आपको लेबर अवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला तो समझ लेना ये जो है वो लेबर ओरिएंटेड है ठीक है ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सो जनरली लेबर आवर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है लेबर अवर्स नहीं दिया तो मशीन अवर्स अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना आपकी डिपार्टमेंट मशीन ओरिएंटेड रहेंगे तो मशीन आवर अगर लेबर ओरिएंटेड रहेगा तो लेबर आवर ठीक है आगे फ्यूल एंड हीट फ्यूल एंड हीट रेडिएटर सेक्शन के रेशो के अंदर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सो एग्जाम के पहले guys, बस ये टेबल देख के जाना कॉमन ओवरेड का बेसिस ऑफ क्या है ये छोड़ के एक हाथ दो हमने और भी कुछ पॉइंट लिखे रह तो वो भी देख लेना कंसेट बुक के अंदर हमने आ, मैंने बोला था दो तीन लाइन छोड़ के रखा हुआ है अगर क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स रहेंगे तो वो भी हम लोग लिखेंगे सो so, देखो कन्फ्यूजिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है आपका पॉवर कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है गाइज आपका अदर एक्सपेंसेस एंड जनरल ओवरहेड एक्सेट्रा संड्री ओवर हो सकता है पॉरवर आएगा आपका हॉर्स पॉवर इन टू मशीन अवर्स एंड अदर जनरल ओवरहेड एक्सेट्रा आपको क्वेश्चन में लेबर अवर्स दिया रहेगा तो लेबर अवर्स मशीन अवर्स दिया रहेगा तो मशीन अवर्स लेबर ओरिएंटेड है तो लेबर अवर्स मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन अवर्स लेकिन कभी कभी हमने दो क्वेश्चन ऐसा भी सोल्व किया है गाइज बॉयज एंड गर्ल्स दो क्वेश्चन ऐसा भी सोल्व किया जहां पर ना लेबर अवर्स दिया है ना मशीन अवर्स दिया है ना लेबर अवर दिया है ना मशीन अवर दिया है ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशो में किसके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशो के अंदर हमने संद्री ओवरेड, रुपीस में जो दिया रहता है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और अलोकेट किया सो so गाइज कितने स्टेप्स हो गए पहला स्टेप था ओवरहेड का जो है वो कलेक्शन किया कितना ओवरहेड लगेगा उन सबका हमने कलेक्शन किया स्टेप नंबर टू क्या था सर जो टोटल ओवरहेड है उसमें से आइडेंटिफाई किया आपके स्पेसिफिक ओवरहेड कौन से किसी और डिपार्टमेंट के नहीं वो एक ही डिपार्टमेंट के चार्ज एंटायर दैट स्पेसिफिक ओवरहेड टू दैट डिवीजन और दूसरा आएगा आपका कॉमन ओवरहेड कॉमन ओवरहेड क्या करना है अपोर्शनमेंट थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा ऑन सम सूटेबल बेसिस और ये बेसिस आपको याद रखना पड़ेगा चलेगा अब हम लोग पहुंच गए सर जी आपके जो टोटल ओवरहेड थे जो कॉमन थे जो स्पेसिफिक थे वो हमने डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया अब ओवरहेड अकाउंट खत्म हो गया जितने भी ओवरहेड लगे थे वो हम लोगों ने चार्ज कर दिए या फिर एलोकेट कर दिए एपोर्शन कर दिए अब ओवरहेड सब खत्म हो गए वो सारे के सारे ओवरहेड डिपार्टमेंट में चले गए वो सारे के सारे ओवरहेड डिपार्टमेंट में चले गए सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू कुछ डाय कुछ आपके स्पेसिफिक ओवरहेड थे और कुछ आपके कॉमन ओवरहेड थे एक्सेट्रा ये करने के बाद आपका टोटल आ गया ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब आगे सर जी ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है अलोकेशन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ वोअ ये टेबल का फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा जी अंकल अंकल्स टेबल का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा आप चेक कर सकते हो फॉर्मेट में क्या है एक, एक है कॉलम पर्टिकुलर दूसरा बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट मुझे जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम प्रॉपर चाहिए गाइज मार्क्स कट नहीं होना चाहिए सबसे पहला कॉलम आता है आपका पर्टिकुलर नेक्स्ट कॉलम आता है बेसिस ऑफ अगला कॉलम आता है guys, आपका टोटल ओवर हेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट ये फॉर्मेट दिमाग के अंदर फिट कर दो यही फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर लिखना है गलत प्रेजेंटेशन मत करना अच्छे से प्रेजेंटेशन करना मार्क्स मिलता है प्रेजेंटेशन का जी आ, तोड़ मालिक अब्बास चलिए अब ये भाई यहां पे फोकस रहने दे स्टूडेंट का गलती कहां पे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि अब हमें मैक्सिमम कंसेप्ट आता है अब हम लोगों को क्या है एग्जाम में जो मिस्टेक होता है वो हमें अवॉइड करना है एंड ये टॉपिक के अंदर जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है रेड पेन से लिखा हुआ है अगर आपको याद आ रहा है गाइज हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डायरेक्ट लेबर का क्या करने का डायरेक्ट मटेरियल का क्या करने का इसके बाद आएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर का क्या करने का और इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या करने का बॉयज एंड गर्ल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ची सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट च्यू ये चार आपके डिपार्टमेंट है गाइस अब फटाफट फड़ से जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस एकदम तोड़ आंसर दीजिएगा डायरेक्ट लेबर जो है जी हाँ डायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में आएगा टू में आएगा या एस डी वन में आएगा एस डी टू में आएगा या किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आएगा इसका आप आंसर देंगे क्वेश्चन के अंदर नाइनटी नाइन परसेंट यह एडजस्टमेंट रहता ही रहता है डायरेक्ट लेबर कौन सा लेने का कौन सा नहीं लेने का फटाफट आंसर दीजिएगा सुहानी जी ने एकदम तोड़ आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने आंसर दिया है याद रखियो गाइज मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना एग्जाम में बैठते ही ये पॉइंट याद आना चाहिए सर एग्जाम में प्रेशर के अंदर क्या होएगा गाइज आप है ना ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है ये अगर लिख के आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का तो बिग जीरो मिलेगा आपको और ये टेबल में पहले लाइन के अंदर अगर आपने गलत कर दिया तो हार्डली आपको आगे दो तीन मार्क्स मिलेगी क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है रीडिस्ट्रीब्यूशन गलत है रेट रे भी आपका गलत आएगा तो एकदम ध्यान से करना मैं बोल रहा हूं यहां पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट का याद रखना घाई मत करना एग्जाम में सो याद रखियो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट लेबर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहां पे नहीं जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहां पे जाता है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर जा रहा है हम लोग पढ़ रहे ओवर एड टॉपिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के जो भी कुछ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटीरियल है वो ओवरहेड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर किया जाएगा ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरी गुड गाय सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू को जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा प्रगति जी करण एवरीवन एकदम तोड़ आंसर दे रहे सुहानी दुर्गा जयनेश एवरी वन मी करेक्ट आंसर लेकिन अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर की गाइज इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कहाँ पे जाता है ओवरहेड के अंदर जाता है तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहने दो सर्विस डिपार्टमेंट का रहने दो यू आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नाउ याद रखना गाइज प्लीज 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 मिस्टेक मत करना मैं बोल रहा हूं आपको ये लाइन में अगर आपने मिस्टेक किया बाकी पूरा क्वेश्चन आपने वर्कआउट किया तो भी आपको दो ही मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो बाकी जे जो आपके अपोर्समेंट वाले उसका ही दो तीन मार्क्स आपको मिलेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स नहीं मिलेगा रेट का मार्क्स नहीं मिलेगा कॉशिप का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो आगे सो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंसीडर नहीं करना है सर्विस डिपार्टमेंट का कंसीडर करना है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी कंसीडर करना है और सर्विस डिपार्टमेंट का भी कंसीडर करना है तोड़ चलो आगे बाकी रेंट कौन से रेशो में जाएगा एरिया के रेशो में लाइटिंग कौन से रेशो में जाएगा लाइट पॉइंट मालिक लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो एरिया के रेशो के अंदर जाएगा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का रिपेयर सो एरिया के रेशो में मशीन का डेप्रिसिएशन मशीन का डेप्रिसिएशन ये थोड़ा मार्जिन में थोड़ा सा एरर हो गया मशीन का डेप्रिसिएशन रिपेयर्स ऑफ मशीन इंश्योरेंस ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो के अंदर आपका जाएगा पावर हॉर्स पावर इंटू मशीन लेकिन हॉर्स पावर नहीं दिया है मशीन मशीन नहीं हॉर्स पावर लेबर रिलेटेड नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में जनरल ऑलरेडी डिस्कस है लेबर आवर्स या फिर मशीन अवर्स डिपार्टमेंट लेबर है लेबर आवर्स डिपार्टमेंट मशीन ओरियंटे है मशीन अवर्स में जाएगा फ्यूल एंड हीट रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फिर आएगा आपका टोटल ये आएगा, आएगा आपका टोटल ओके इज इस... ठीक है ना गाइस ओके okay, गाइस एक ही सेकंड छो सेकेंड गाइज आ गया है वो थोड़ा मार्जिन का इश्यू था इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जी हाँ ये जो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना वर्किंग आवर्स आर नॉट जी अगै वर्किंग आवर्स आर नॉट मशीन आवर्स पेज फटने तक अंडरलाइन करना वर्किंग आवर्स आर नॉट मशीन आवर्स सो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू आपको हॉर्स पावर दिया है ट्वेंटी हॉर्स पावर है टेन हॉर्स पावर है फाइव हॉर्स पावर है और डैश यह हॉर्स पावर का इंफॉर्मेशन दिया है और आपको आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो वर्किंग आवर्स दिया है है आपको आगे जो इंफॉर्मेशन दिया दिया वो वर्किंग आवर्स और वर्किंग अवर्स दिया है, है। सबसे पहले कॉलम के अंदर दो हजार सपोज तीसरे कॉलम के अंदर तीन हजार नेक्स्ट कॉलम के अंदर सपोज कुछ भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया वर्किंग आवर्स इतना ही दिया हुआ है सो याद रखना पावर का जो एक्सपेंसेस है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं है। लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन है, है तो डायरेक्टली पावर तो तो के जो एक्सपेंसेस है वो हॉर्स पावर के रेशियो के अंदर जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डोंट मल्टीप्लाई 20 इंटू टू थाउजेंड इज इंटू थ्री 3000 एंड सो ऑन रीजन ये होगा आपको सर्विस डिपार्टमेंट वन में जो मशीन है उसको हॉर्स पावर तो लगता है लेकिन उसके वर्किंग आवर्स नहीं दिया है तो ऐसा पॉसिबल है क्या मशीन है लेकिन यूज नहीं हो रहा है ये पॉसिबल नहीं है तो याद रखियो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है वर्किंग आवर्स आर नॉट मशीन आवर्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख लेते हैं डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ओवर जी हां हमें पता है डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर एड विल नॉट भी कंसिडर इन ओवर एड ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइम कॉस्ट इन डायरेक्ट मटीरियल इन डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एस सर्विस डिपार्टमेंट बी कंसिडर इन ओवर जी हा मयंक अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि सर दो तीन क्वेश्चन वर्किंग अवर ही दिया है जी हमने काफी सारा प्रैक्टिस किया है जहां पर वर्किंग अवर दिया राइट है आपका तो याद रखना आप वर्किंग अवर्स आर नॉट मशीन अवर्स जी हां और वेरी गुड मयंक मयंक एकदम करेक्ट आंसर दे है मयंक भाई तू चैंप हो गया रे मयंक आंसर दे रहा है कि फिर वर्किंग आवर्स का यूज क्या है शाबाश बेटा मयंक ने आंसर दे दिया कि सर फिर ये वर्किंग आवर्स का यूज क्या रहता है शाबाश मयंक तो ये वर्किंग आवर्स का जो यूज रहता है वो रेट कैलकुलेट करने के लिए रहता है ओवरहेड का रेट टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स टोटल ओवरहेड बाय टोटल वर्किंग अवर्स तो याद रखना चलो मयंक की वजह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे अगले बैच में ऐड कर दूंगा थैंक यू सो मच कि फिर ये वर्किंग अवर्स का यूज क्या है वर्किंग अवर्स का यूज है भाई आपको ओवरहेड का प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट करना है उसके लिए यह कंसेप्ट यूज होगा थैंक यू सो मच ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है देन गाइज ये मैंने डिस्कस किया था अगर आपको मशीन ओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो मशीन ओरिएंटेड है इसके बाद आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला लेबर ओवर रेट कैलकुलेट करो तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो लेबर ओरिएंटेड है अब मशीन ओवर रेट कैसे आता है लेबर ओवर रेट कैसे आता है वो आगे देखने वाले नेक्स्ट वन सर जी अगर कोई डिपार्टमेंट खुद के प्रीमाइसिस में रन होता है तो उसको रेंट नहीं दिया जाएगा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 14 या 15 नंबर का क्वेश्चन था आईएस जहां पे काफी सारे डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा और वहां पे ऐसे लिखा था मुझे याद आ रहा है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट खुद के ही प्रीमाइसिस में काम करता है और उसका कुछ नोशनल रेंट का इंफॉर्मेशन दिया है तो अगर वो खुद के ही प्रीमाइसिस में काम करता है तो वो डिपार्टमेंट को आप रेंट चार्ज नहीं करेंगे सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट थ्री और आगे बोला गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट थ्री खुद के ही से इसमें काम करता है तो जो रेंट है पीडी वन को जाएगा पीडी टू को जाएगा पीडी एस डी वन को जाएगा एस डी टू को जाएगा एस डी थ्री को नहीं जाएगा जी हाँ एस डी थ्री को नहीं जाएगा रेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, uh, If any department is इज रन इन ओन then रेंट वो department को नहीं जाएगा और notional रेंट जो दिया है वो हमें इग्नोर करना है चलेगा सो so, ये टेबल के अंदर क्या होगा वी नीड टू टेक a टोटल प्रोडक्शन department वन के टोटल ओवररेड कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के ओवर रेड कितने हैं सर्विस डिपार्टमेंट वन के ओवर रेड कितने सर्विस डिपार्टमेंट टू के सर्विस डिपार्टमेंट थ्री के कितने ये हमें पता चलेगा टोटल ओवर रेड हमारा जी हाँ Mayang जी बोल रहे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रेगुलर कोर्स का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन चलो क्या बढ़िया है अब आते हैं बहुत ही खुंखार कंसेप्ट के पास गाइज हम लोगों ने कौन से कौन सा कंसेप्ट कवर कर लिया सबसे पहले ओवरहेड का जो है वो हम लोगों ने कलेक्शन कर दिया उसके बाद ओवरहेड का जो है वो अलोकेशन कर दिया जो स्पेसिफिक ओवरहेड है इसके बाद गाइज जो ओवरहेड का हम लोगों ने अपोर्सनमेंट कंप्लीट कर दिया थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा अपोर्सनमेंट करने के बाद हमने जो टेबल है उसका टोटल ले लिया अब इसके बाद आता है रीअपोर्सनमेंट ऑफ ओवरहेड री अपोर्सनमेंट ऑफ ओवरहेड में गाइज सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है वो हम लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना है सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हीरो करना है सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हीरो करना है अब वो कैसा करना है यहां पे ध्यान दो गाइस अभी एवरीवन वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट बस ये भी देख लिया तो भी सब कुछ रिकॉल हो जाएगा आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट थ्री आगे क्वेश्चन के अंदर दिया गया प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन टू अ दर्शन सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट थ्री बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट वन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को पचास टक्का पचास टक्का सर्विस दिया है चालीस टक्का सर्विस दिया है यहां पे साठ टक्का सर्विस दिया है यहां पे साठ टक्का सर्विस दिया है यहां पे चालीस टक्का सर्विस दिया है इसका मतलब यह हुआ ध्यान से सुनियो इसका मतलब यह हुआ एक भी सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दिया है एक भी सर्विस डिपार्टमेंट ने एक भी सर्विस डिपार्टमेंट ने किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दिया है मतलब यह हुआ सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है अगर ऐसा है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को न देते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो मेथड आप फॉलो करेंगे डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट अलोकेशन और डायरेक्ट रिअपोर्शनमेंट का मेथड आप यूज करेंगे जी हां सुहानी जी आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया डायरेक्ट मेथड आपको अपोर्शन करना पड़ेगा कब डायरेक्ट मेथड अपोर्शन करना पड़ेगा कब याद रखियो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है ऐसे सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट मेथड फॉलो कर मतलब यह हुआ इसके ऊपर वाले टेबल में जो भी कुछ सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आया है वो हम लोग ये रेशियो के अंदर अपोर्शन करेंगे पचास पचास चालीस साठ साठ और चालीस ये रेशियो के अंदर जो है वो हम लोग अपोर्शन करेंगे तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड याद रखना डायरेक्ट मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा और डायरेक्ट मेथड एकदम सिंपल है डायरेक्ट मेथड में जो रेशो दिया जाता है पचास, पचास, चालीश, साथ, साथ, चालीश, ये ये के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का खत्म है बात चलिए सो मेथड मेथड था आपका डायरेक्ट मैंने एक्साम्पल भी लिया हुआ है अगर सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो आपको डायरेक्ट रेशियो के अंदर 50 50 टका चालीस टका साठ टका ये रेशो के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट वन के ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट टू के ओवरहेड आपको रीअपोर्शन करना पड़ेगा चलेगा अब आते हैं, गाइस अगले एग्जांपल की तरफ बॉयज एंड गर्ल्स बच्चों अब दूसरा मेथड हम लोग देखने वाले हैं एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है लेकिन नॉन रेसिप्रोकल है क्या है नॉन रेसिप्रोकल यानी पहला दूसरे को सर्विस दे रहा है दूसरा पहले को सर्विस नहीं दे रहा है इसको बोलते नॉन रेसिप्रोकल मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर दर्शन चंडालिया एंड दीपिका पादुकोण मैंने एग्जाम्पल दिया था दर्शन चंडालिया एंड दीपिका पादुकोण दर्शन को दीपिका पादुकोण पसंद है लेकिन दीपिका पादुकोण बोलेगा भाई कौन है ये दर्शन ठीक है ऐसे 1760 सो देखिए इसके जैसे ठीक है तो वो मुझे नहीं पहचानती गाइस तो मेरा क्या है वन साइडेड है मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ वो मुझे सर्विस नहीं दे रहा मतलब ये हुआ सपोज यहाँ पे आ गया आपका तीस टक्का यहाँ पे आ गया दस टक्का यहाँ पे आएगा आपका दस ठीक है नेक्स्ट केस के अंदर सपोज यहाँ पे आया चालीस टका टेन परसेंट नहीं ट्वेंटी और तीस टक्का नहीं, नहीं। और चालीस सिचुएशन so, के अंदर गाइज आप अगर देख सकते हो सर्विस डिपार्टमेंट वन ने सर्विस डिपार्टमेंट टू को भी सर्विस दिया और सर्विस डिपार्टमेंट थ्री को भी सर्विस दिया लेकिन बदले में सर्विस डिपार्टमेंट टू और थ्री ने सर्विस डिपार्टमेंट वन को सर्विस नहीं दिया है इसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट टू जो है उसने सर्विस डिपार्टमेंट थ्री को सर्विस दिया है लेकिन उसको सर्विस डिपार्टमेंट थ्री ने सर्विस नहीं दिया है एंड सो सो ऑन इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे गाइस नॉन रेसिप्रोकल पहला दूसरे को सर्विस दे रहा है दूसरा पहले को सर्विस नहीं दे रहा है तो नॉन रेसिप्रोकल हो गया और नॉन रेसिप्रोकल के अंदर मैथड का नाम अगर आपको याद आ रहा है तो स्टेप डाउन मेथड और स्टेप लैडर मेथड कौन सा मेथड स्टेप डाउन मेथड या स्टेप लैडर मेथड जो भी कुछ एग्जाम के अंदर वर्ड यूज किया है वो आपको वर्किंग करना पड़ेगा स्टेप डाउन मेथड और स्टेप लैडर मेथड अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है स्टेप डाउन मेथड और स्टेप लैडर मेथड में सीक्वेंस क्या फॉलो करना है सीक्वेंस ऐसा फॉलो करना है जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस देता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को उसका सबसे पहला रीअपोर्शन करो जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस देता है किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को तो उसका सबसे पहले आपको रिपोर्शन करना पड़ेगा तो सीक्वेंस क्या आएगा सजी सीक्वेंस आएगा एस डी वन उसके बाद आएगा एस डी टू और उसके बाद आएगा एस डी थ्री एस डी वन किस किसको दे रहा है पीडी वन पी डी टू एस डी टू एस डी थ्री एस डी टू किस फिर टोटल लेंगे टोटल देने के बाद ये 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 और ये और बाद में आखिरी में एस डी थ्री क्योंकि एस डी थ्री ने लिया सबका है लेकिन दिया किसी को नहीं है यानी सर्विस डिपार्टमेंट वन और टू ने सर्विस दिया है लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में बदले में उनको सर्विस नहीं है बेवफा है एस डी थ्री ये सीक्वेंस आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा एक चैंपियन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एक चैंपियन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जी हां एक्स वाई आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी हां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई है सर्विस डिपार्टमेंट है पी क्यू आर एस टी और क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि रीअपोर्शन करते वक्त स्टेप लैडर मेथड फॉलो करो एंड सेम सीक्वेंस फॉलो करो सीक्वेंस क्या आएगा पहले पी का फिर क्यू का फिर आर का फिर एस का अब ऐसे सिचुएशन के अंदर पी किसको किसको सर्विस देगा एक्स को देगा हाँ सर वाई को देगा हाँ सर खुद को सर्विस नहीं सर क्यू को देगा आर को देगा एस को देगा टी को देगा फिर अगर आप क्यू का रीअपोर्शन करेंगे एक्स को देगा वाई को देगा पी को नहीं देगा खुद को नहीं देगा आर को देगा एस को देगा टी को देगा फिर पी आर का अगर मैं देखता हूं तो एक्स को, 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 को देगा और टी को देगा एस का अगर मैं बात करता को देगा, को देगा, पी को नहीं, को देगा और सबसे बेवफा निकला टी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई को सर्विस देगा बाकी किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को वो सर्विस नहीं देता है तो अगर ऐसा सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बोला कि पहला पी का करो क्यू का करो आर का करो एस का करो उसके बाद टी का करो तो वो सिचुएशन में आपको ये जो है वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा याद आ रही है चलेगा एंड गाइस ऐसे तीन चार क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व किया जहां पे डायरेक्ट मेथड भी बोला स्टेप लैडर मेथड भी बोला और रेसिप्रोकल भी आपको बोला यानी पहला डिपार्टमेंट दूसरे को देता है और दूसरा पहले को देता है तो याद रखना अगर डायरेक्ट है तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है लेकिन अगर नॉन रेसिप्रोकल बोला है तो आपको यह फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा रेसिप्रोकल आपका आगे आएगा ही ठीक है सो बॉयज एंड गर्ल्स एक सेंटेंस दिमाग के अंदर फिट करके जाइएगा और वो सेंटेंस है एंड दैट सेंटेंस इज सर्विस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट का सबसे पहले रिपोर्शन करेंगे स्टेप लैडर मेथड में ट सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस टू अनादर सर्विस डिपार्टमेंट उसका सबसे पहले हम लोगों को रीअपोर्शन करना पड़ेगा एंड विल फॉलो दैट सीक्वेंस ठीक है गाइज आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं गाइज रेसी प्रोकल्प जी हाँ रेसी प्रोकल्प रेसी प्रोकल्प का मतलब यह है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और बदले में दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है इसको बोलते हैं रेसी प्रोकोल दीपिक पादुकोन एंड रणबीर कपूर आई एम सॉरी इट्स नॉट रणबीर कपूर आई एम सॉरी रणबीर सिंह दीपिका पादुकोन एंड रणबीर सिंह ठीक है रेसी है ना पहला दूसरे को सर्विस देता है और दूसरा पहले को सर्विस देता है इसका मतलब ये हो गया ये रेसी हो गया रेसिप्रोकल के लिए आपको तीन मेथड है एक है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दूसरा आपका ट्रायल एंड एरर मेथड और तीसरा जो मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अगर कोई मेथड नहीं दिया है, तो आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर जो है वो आंसर एकदम फटैक से जल्दी से आंसर आ जाता है ठीक है सो so, हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है ये एग्जाम्पल के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट वन ने दस तक का सर्विस दिया है सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट टू को बदले में सर्विस डिपार्टमेंट टू ने भी सर्विस डिपार्टमेंट वन को सर्विस दिया है कितना पांच टक्का इक्वेलिटी का कोई जरूरत नहीं है एक पांच टक्का दे रहा है दूसरा दस टक्का दे रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं बस थोड़ा बहुत देना चाहिए पहले ने दूसरे को और दूसरे ने पहले को तो ये हो गया आपका रेसी अब रेसी में आपको स्टेप लैडर मेथड सॉरी रेसी में आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सैमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा लेट्स टेक वन एग्जाम्पल का यही जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं रिपीट कर रहा हूं और वो मेथड वापस आपको दे रहा हूँ सो दैट आपको रिकॉल जल्दी हो जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू ध्यान से सुना मैक्सिमम स्टूडेंट एक जगह पे गलती कर रहा है वो गलती की जगह क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं सो प्लीज 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 घाई मत करो यहाँ पे ध्यान दो फोकस रखिएगा पचास टका चालीस टक्का जी अगैस पचास टक्का आया चालीस टक्का आया और यहाँ पे जो है वो पांच टक्का आएगा नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर दिया हुआ है पचास फोर्टी फाइव पचास टक्का दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो जो कॉमनली मेथड यूज होता है जो मैक्सिमम टाइम मेथड यूज होता है वो मेथड हम लोग यूज करने वाले और वो मेथड का नाम है भाई ध्यान से सुन मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है एज्शन लिखना पड़ता है एज्यूम दैट टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू एज एक्स एंड वाई टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू एज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू अरे भाई ध्यान से सुनना एक्सीडेंट पॉइंट बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट कहां पे गलती करता है वो बता रहा हूं एक्स इज इक्वल टू सर जी एक्स के अभी तक के ओवरहेड कितने हैं दो हजार रुपए टू टू थाउजेंड प्लस सर जी एक्स को यानी सर्विस डिपार्टमेंट वन एक्स से सर्विस डिपार्टमेंट टू वाई है सर जी एक्स को दो हजार तो मिल रहा है प्लस पांच तक का भी मिल रहा है अरे पांच तक का किसका मिल रहा है सर्विस डिपार्टमेंट टू के जितने भी ओवरहेड है उसका पांच तक का आएगा तो so, ध्यान रखियो थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव वाई आहो अच्छा ओके ओके आई एम सॉरी करन थैंक यू सो मच करन टेन परसेंट है थैंक यू सो मच आई एम सॉरी वो बोलते वक्त बराबर बोला लिखते वक्त गलत आई एम सॉरी गाइज ओके सो दूसरा इक्वेशन आपको बनेगा गाइज वाई इज इक्वल टू वाई यानी टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू इज इक्वल टू सर जी एक हजार तो अभी तक का एक्सपेंसेस आया हुआ है प्लस 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 उसमें क्या ऐड होना बाकी दस टक्का अरे दस टक्का किसका सर्विस डिपार्टमेंट वन का ऐड होना बाकी है तो सर्विस डिपार्टमेंट वन के जो टोटल ओवरहेड है वो हमने एक्स एज्यूम किए थे तो पॉइंट पॉइंट टेन एक्स सर प्लीज अगर एग्जाम के अंदर है ना इधर भी दस टक्का है और इधर भी दस टक्का है दोनों जगह पे दस टक्का दस टक्का है तो प्रॉब्लम ही नहीं सर आपने गलती भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर एक जगह पे दस है दूसरी जगह पे पांच है और आपने उल्टा पुलटा कर दिया तो खतरे में बाईस गेम ओवर टाटा बाय बाय सी यू सो so, याद रखियो कैसे करना है टेबल वर्टिकल देखना है टेबल वर्टिकल देखना है टेबल वर्टिकल देखना है सर जी दो हजार प्लस पांच तक पांच टक्का किसका भाई सर्विस डिपार्टमेंट टू का एक हजार प्लस दस टक्का दस टक्का किसका सर्विस डिपार्टमेंट वन का आपको ऐड करना पड़ेगा सो ध्यान से देखिएगा एक्स इज इक्वल टू यानी सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड इज इक्वल टू अभी तक के ओवरहेड दो है प्लस सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन को कुछ सर्विस दे रहा है तो वो पांच टक्का सर्विस दे रहा है वो हम लोग ऐड करेंगे उल्टा पुल्टा मत करना आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है हा या ना रिप्लाई कीजिएगा ये परसेंटेज वगैरह आपको बराबर से लेते आ रहा है गाइस उल्टा मत करना गाइस हाँ या ना बताइएगा काफी सारे स्टूडेंट तो मुझे इक्वेशन बना के दे रहे हैं बराबर है इक्वेशन So, अभी ये सॉल्व कैसे करने का एक्स इज इक्वल टू टू थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट इक्वेशन मैंने डाल दिया फटाफट से चेक करते हैं एक्स का आंसर कितना है ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका जो एक्स का आंसर आ रहा है वो दिया हुआ है एक्स का आंसर टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी ये आपका एक्स का आंसर है गलती मत करना इसमें चलेगा इसके बाद y इज इक्वल टू इसके बाद जो है y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा वन थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट टेन एक्स सो टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी हम लोगों ने ऐड कर दिया सो so आपका आंसर आएगा वन टू कितना है भाई वन टू जीरो सिक्स पॉइंट थ्री वन टू जीरो सिक्स पॉइंट थ्री जीरो जीरो थ्री ओके ये आ गया आपका x का वैल्यू और ये आ गया आपका y का वैल्यू फिर आगे जो है वो आपको रीअपोर्शनमेंट का टेबल बनाना पड़ेगा गाइज और याद रखना रीअपोर्शनमेंट का जब टेबल बनाएंगे तो रीअपोर्शनमेंट का टेबल बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू लेना है सर्विस डिपार्टमेंट वैसे भी जीरो होने वाला है वो आपको कंसिडर नहीं करना है तो गाइज टोटल ओवरहेड अभी तक के आपके जो ओवरहेड थे वो बीस थे अभी तक के जो ओवर है वो आपके दस हजार थे इसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया सर्विस डिपार्टमेंट वन का रीअपोर्सनमेंट किया सर्विस डिपार्टमेंट वन के टोटल ओवर कितना है टू जीरो फोर्टी परसेंट ठीक है इसके बाद गाइज हमने रीअपोर्शनमेंट कर दिया सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट टू का टोटल था वन टू जीरो सिक्स पॉइंट थर्टी कौन से रेशियो के अंदर दे दिया फिफ्टीज टू फोर्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट इज एंड फोर्टी फाइव परसेंट तो ऐसे करके आपके रिअपोर्शनमेंट हो गए सर हाथ जोड़ के विनती करता हूं यहां पे आप सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम कंसीडर मत करना सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू खाली फुकट आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया हमने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंसीडर करके सर्विस डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट टू का रिअपोर्शनमेंट किया है एंड याद रखना इससे भी खुंखार पॉइंट सर ये जो एक्सपेंसेस है वो फिफ्टी टू फोर्टी मत करना ओ भाई फिफ्टी फोर्टी फाइव मत करना ये मेरे भाई कुछ लोग क्या करेंगे देखो कैलसी किधर गया चलो जाने दो खैर कुछ लोग क्या करेंगे टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी डिवाइडेड बाय नाइनटी बेटा गलत हो गया बेटा तेरा आंसर गलत हो गया ऐसा मत करना टू जीरो पॉइंट थर्टी मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी डिवाइडेड बाय नाइनटी अरे सर ये फिफ्टी टू फोर्टी नहीं है फिफ्टी परसेंट लेने का है और फोर्टी परसेंट लेने का क्योंकि वो वो जो 10 है सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा और एंड में सर्विस डिपार्टमेंट जीरो होने वाला है तो प्लीज आप ये रेशो मत लेके आना एग्जाम में फिफ्टीज टू फोर्टी एंड फिफ्टी टू फोर्टी फाइव प्लीज कंसिडर टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी इंटू फिफ्टी परसेंट एंड इंटू फोर्टी परसेंट एंड फोर्टी फाइव परसेंट दिस इज नॉट फिफ्टी टू फोर्टी फाइव बहुत ही तोड़ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है और ऐसे करके जो है आप टोटल लेंगे ओवरहेड का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू का जो टोटल है वो ओवरहेड्स का आपने ले लिया गाइज गलती क्या होती है समझ में आया ना प्लीज फिफ्टीज टू फोर्टी एंड फिफ्टी फोर्टी फाइव मत करके आना बैंड बैंड बच जाएगी सर एग्जाम के अंदर ऐसा मत करना और अपना डिसाइड हुआ है अपना डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है सेवन टी एटी नाइनटी प्लस लेके आने का अपने को कॉस्टिंग में और बहुत ईजी है चलेगा आगे बढ़ते हैं सर कंफर्टेबल ना समझ में आया सब लोगों को आगे बढ़ने का आहो दूसरा मेथड डिस्कस करूं, अरे सब लोग जाग रहे हैं क्लियर है जी हाँ जी हाँ यस आर यस आर करते हैं अगला और अगला जो मेथड है वो है आपका गाइस पहले ले लेते ट्रायल एंड एरर मेथड जी हाँ अगला मेथड ले लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड झेपा ओके चलेगा गाइस ट्रायल एंड एरर मेथड एकदम सिंपल है तोड़े करण करण तोड़े भाई करण अपने को हाईएस्ट मार्क्स लेके आने का कॉस्टिंग के अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर गाइस आपको करने का करना क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू बास आई एम सॉरी क्या कर रहा दर्शन सर्विस डिपार्टमेंट वन ए सर्विस डिपार्टमेंट वन एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू मयंक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पहले यहां पे ध्यान दो वो स्ट्रेटेजी कैसे रहेगा वो मैं बताऊंगा ना बाद में कौन से कौन से क्वेश्चंस आपको करना है टाइप्स क्या है एक्सेट्रा वो बताता हो रे। पहले यहाँ पे फोकस करो बाकी क्वेश्चन मत पूछो ओके करण मयंक मैं आपको बता दूंगा कैसे करने का आपने को डोंट वरी एट ऑल मैं हूं ना भाई मैं बैठा हुआ आपके लिए टेंशन मत लो बड़ा भाई बैठा हुआ है आपका चलो यहां पे ध्यान दो सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू सबसे पहले तो टोटल ओवर ले लेने का अभी का जो टोटल ओवर वन थाउजेंड है जी हा यहां पे टू थाउजेंड है और यहां पे वन थाउजेंड है फिर आपको आगे क्या करने का है सर्विस डिपार्टमेंट वन टू सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन ने सर्विस डिपार्टमेंट टू को दस तक का सर्विस दिया है तो दो हजार का दस तक का दो हजार का दस टक्का यानी आता है आपका दो एक इंपॉर्टेंट लाइन वहां पे लिख के भी दिया है सर जी टोटल लेने का कब सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप में आपको टोटल लेना है इसके बाद डायरेक्टली सारे कैलकुलेशन के बाद टोटल लेना है याद रखियो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप में सर्विस डिपार्टमेंट टू का टोटल लेना है जो आता है आपका बारह जो आता है आपका बारह याद रखना और मैंने वहां पे हाईलाइट भी करके दिया है किधर है भाई या ओनली इन द फर्स्ट to विल a टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट two बस यही स्टेप के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट two का हमें टोटल लेना बाद में एकदम एंड में करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट टू टू सर्विस डिपार्टमेंट वन पांच टक्का सो बारह सो का पांच टक्का आपका आंसर आएगा सिक्सटी आई जी हाँ बारह सौ का पांच टक्का आपका आंसर आएगा सिक्सटी चलो इसके बाद गाई सर्विस डिपार्टमेंट टू टू सर्विस डिपार्टमेंट वन दस टक्का यह साठ का दस यानी आपका आंसर आ गया छे फिर वापिस से सर जी सर्विस डिपार्टमेंट वन सर्विस डिपार्टमेंट टू कितना परसेंट है पांच टक्का सो ये मेरे हिसाब से आंसर आ गया जीरो पॉइंट थर्टी एंड लास्ट स्टेप में सर्विस डिपार्टमेंट टू टू सर्विस डिपार्टमेंट वन दस टक्का यह आएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो थ्री आई गेस इसके बाद जो है वो आपको टोटल ले लेने का है 2000 plus 60 0.32 060.30 आंसर आया आपका 2060.30 जो है वो आपका आंसर आ गया, गया गाइस इसके बाद 1200 plus 6 0.03 1206.03 आंसर आया 1206.03 आंसर आया जी आर ऋषिकेश क्या था आपका क्वेरी आपने मैसेज डिलीट किया कुछ क्वेरी रहेगा तो बोलिएगा Boys and girls, boys and girls, कोई भी मेथड फॉलो करो ट्रायल एंड एर मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू सेम आएगा देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी जी हाँ टू जीरो सिक्स जीरो पॉइंट थर्टी वाई का वैल्यू क्या आया था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन में बारह 1206 1206.03 जीरो थ्री बारह जीरो थ्री इसके बाद आपको जो है वो रीअपोर्सनमेंट करना पड़ेगा इसके बाद आपको जो है वो रीअपोर्शन करना पड़ेगा सो so वापिस से पीडी वन एंड पीडी टू चलो जल्दी से बताओ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर सिमिलरिटी क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर सिमिलरिटी क्या है आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर सिमिलरिटी ये है गाइज जो टेबल नंबर टू है वो सेम रहता है टेबल नंबर टू जो है ये जो टेबल है टेबल नंबर टू वो आपका सेम रहता है कौन सा ये रहा पीडी वन पी डी टू टोटल ले लिया फिर रिअपोर्शनमेंट ऑफ ऑफ वन, फिर रीअपोर्शनमेंट ऑफ ऑफ वो नहीं क्या मैंने आप बताया था फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट ये जो टेबल है वो दोनों में सेम रहता है ये जो टेबल है वो टेबल दोनों के इसमें सेम रहता है याद रखना गाइज चलो इसके बाद आपका आएगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सबसे इजी सबसे लेंदी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ याद नहीं आता है तो ये करके आना होगा एग्जाम के अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कंसिडर करो सर्विस डिपार्टमेंट भी कंसिडर करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कंसीडर करो सर्विस डिपार्टमेंट भी कंसीडर करो टोटल ओवर ले लिया दस हजार बीस हजार बीस हजार दस हजार दो हजार एक हजार फिर क्या करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट वन के रीअपोर्शन करो कौन से रेशियो में दिया क्वेश्चन के अंदर पचास टक्का चालीस टक्का डैश दस टक्का तो गाइज दो हजार का पचास टक्का एक हजार दो हजार का चालीस टक्का आठ सौ दो हजार का दस टक्का सो इमीजिएटली टोटल ले लो एक बनेगा जीरो दूसरा बनेगा हीरो सर्विस डिपार्टमेंट वन बने, बनेगा जीरो सर्विस डिपार्टमेंट टू बनेगा हीरो बारह सो फिर क्या करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट टू के री करो फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट फाइव परसेंट ओके तो बारह सो ब्रैकेट में लिख दिया बारह सो का पचास टक्का छह सौ बारह सो का फोर्टी फाइव परसेंट पांच सौ चालीस बारह सौ का पांच टक्का सिक्सटी लिख दिया वापिस से एस टू बनेगा जीरो एस वन बनेगा हीरो तो रियपोर्सनमेंट फिर S2, S1, S2, S1 ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो कब तक करते रहना है जब तक है फ्रैक्शन जब तक फ्रैक्शन नहीं आ जाता है तब तक आपको वर्किंग करते रहना है लेकिन हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व किया है जहां पे तीन प्लेस तक ही बोला था रिअपोर्शनमेंट क्या करने का है? तीन स्टेज तक ही बोला था तीन तो वो सिचुएशन में क्या होगा भले ही आपका फ्रैक्शन नहीं आ रहा है वो स्टेप के अंदर भले ही आपका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है जैसा यहाँ पे लास्ट स्टेप में फ्रैक्शन में आ गया है पॉइंटीन पॉइंट ट्वेल्व जीरो पॉइंट थर्टी जीरो पॉइंट जीरो थ्री और आपको अगर तीन स्टेप तक ही करना है तो क्या करेंगे गाइस थर्ड स्टेप में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देंगे डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो केस के अंदर आपको रेशियो डायरेक्टली पचास टक्का एंड फोर्टी फाइव फिफ्टी टू फोर्टी फाइव ये रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि आपको तीन ही स्टेज तक बोला है और अगर आपको तीन स्टेज तक बोला है तो फ्रैक्शन वगैरह तक रुकेंगे नहीं आप जितना भी आपका टोटल आया हुआ है वो डायरेक्टली 50 टू फोर्टी फाइव या फिफ्टीज टू फोर्टी ये रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां परसेंटेज मत लेना क्योंकि परसेंटेज लिया तो थोड़ा बच जाएगा जैसे फिफ्टी फोर्टी तो दस बच जाएगा सर आपका फिफ्टी फोर्टी फाइव पांच आपका बच जाएगा तो अगर आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर तीन स्टेज तक ही आपको रिअपोर्शनमेंट करना है तो वो सिचुएशन के अंदर जो थर्ड का लास्ट स्टेप है सपोज एस टू रहेगा वो थर्ड का लास्ट यानी एस टू फिर एस टू का रीअपोर्शन करेंगे एस टू का किधर किधर करते पी डी वन पी डी टू एस डी वन लेकिन यहां पे SD1 वन को नहीं करेंगे एस डी टू का डायरेक्टली PD1 वन और PD2 टू को रिअपोर्शनमेंट करेंगे फिर परसेंटेज यूज मत करना वहां पे 50 एंड 45 फाइव डायरेक्टली फिफ्टीज टू फोर्टी क्योंकि हमें वो खत्म करना है सर ये थोड़ा मैंने ट्रिकी पॉइंट बताया आपको समझा क्या ये पॉइंट एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है या पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है हमने अपने रेगुलर लेक्चर के अंदर ये सोल्व किया है लेकिन क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है हा या ना तीन स्टेप तक ही बोला है तो तीन स्टेप के एंड में सर्विस डिपार्टमेंट टू के जितने भी ओवरहेड से भले ही फ्रैक्शन नहीं रहने दो वो डायरेक्टली हम लोग कहां पर देंगे पीडी वन को देंगे पीडी टू को देंगे और पचास इज टू फोर्टी फाइव नहीं करना पचास इज टू फोर्टी फाइव मत करना पचास इज टू फोर्टी फाइव मत करना यानी फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट ऐसा मत करना फिर क्या करेंगे फिफ्टी डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव ऐसा जो है वो आपको वर्किंग करना पड़ेगा ऐसा जो है वो आपको वर्किंग करना पड़ेगा राइट है चलेगा आगे बढ़ते हैं आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर ईच वन ऑफ यू गाइस आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू वन ऑफ यू ओके लिए आपने मॉड्यूल का या फिर वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया वो एक बार जस्ट देख लेना थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया था जी हाँ बरोबर है इज टू नाइनटी फाइव एंड फोर्टी फाइव टू नाइन्टी फाइव लेकिन कब कब जब आपको तीन स्टेप तक ही बोला है या दो स्टेप तक ही बोला है तब आपने रिपोर्शन कर देने का ये मेथड में अदरवाइज परसेंटेज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आपको आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ जाता है तब तक आपको ये करते रहना पड़ेगा चलिए अब जिस स्टेप के लिए इतने सारे वर्किंग हमने किया वो स्टेप आ गया गाइज सबसे पहले ओवरहेड का कलेक्शन किया कलेक्शन के बाद हमने ओवरहेड का अलोकेशन किया अलोकेशन के बाद हमने apportionment किया, हमनेशनमेंट के बाद हमने रीअपोर्शनमेंट किया उसके बाद हमने रीअपोर्शनमेंट किया।, किया और रीअपोर्समेंट के बाद अब आएगा आपका ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है ओवरहेड कैलकुलेशन के छह मेथड से गए एक दो तीन चार पांच छे छे मेथड दिए हुए रेट कैलकुलेट के के करने का सबसे पहला रेट है आपको मशीन अवर रेट लेबर अवर रेट परसेंटेज ऑफ मटेरियल परसेंटेज ऑफ लेबर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड यूनिट रेट और रेट एकदम सिंपल है सर मशीन अवर रेट का फॉर्मूला है बजेटेड ओवरहेड अपॉन बजेटेड मशीन अवर्स लेबर अवर रेट का फॉर्मूला है बजेटेड ओवरहेड्स अपॉन बजेटेड लेबर अवर

क्वेश्चन के अंदर रेट कौन सा फॉलो करना है वो दिया जाता है या हिंट दिया जाता है रेट कौन सा फॉलो करना है सब लोग मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में मशीन अवर से एक लाख प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में मशीन अवर से दस हजार लेबर अवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में दस हजार दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में लेबर अवर्स दिया है पचास हजार फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मशीन ओवर रेट फॉलो करू या लेबर ओवर रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के लिए मशीन ओवर रेट फॉलो करू या लेबर ओवर रेट फॉलो करू जल्दी से बताइएगा फटाफट रे जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा गाइस फटाफट मैं क्या बोलो समझ में आया क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के लिए मशीन ओवर रेट आएगा या लेबर ओवर रेट आएगा प्रोडक्शन ये हिंट है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं जाता था मेथड तो हम लोग ऐसे एनालाइज करते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के लिए मशीन ऑवर रेट या लेबर ऑवर रेट जी हाँ बच्चों मशीन ऑवर रेट आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के लिए बच्चों आपको लेबर ऑवर रेट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन जो है वो मशीन ओरिएंटेड है कैसे पता चला दर्शन क्योंकि मशीन आवर्स एक लाख है लेबर आवर दस हजार है मशीन आवर ज्यादा है इसका मतलब ये मशीन ओरिएंटेड है दूसरे डिपार्टमेंट ने मशीन आवर दस हजार है और लेबर आवर्स पचास हजार है तो दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो लेबर ओरिएंटेड है तो ऐसा भी हिंट आपको दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर और आपको वो वर्किंग करना पड़ता है सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के लिए मशीन आवर रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के लिए लेबर आवर रेट जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा बाकी तो गाय क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कौन सा रेट आपको फॉलो करना है या फिर अगर वर्किंग आवर्स दिया जाता है ना मशीन आवर दिया है, ना लेबर आवर दिया डायरेक्टली आपको दिया जाएगा वर्किंग आवर्स और वर्किंग आवर्स दिया है, तो टेंशन ही नहीं गाइस वर्किंग अवर से डिवाइड कर लेना रेट पर आवर आ जाएगा सो so ये जो आपको दिए थे वो कितने रेट दिए थे छह ओवर एड के रेट दिया था सिक्स ओवर एड का रेट दिया था इसके बाद ध्यान से सुनना गाइस ये जो ओवर कैलकुलेशन करना इसमें भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ओवर कैलकुलेट करना इसमें भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है गाइज आपको ब्लैंकेट रेट एक कंसेप्ट है और डिपार्टमेंटल रेट एक कंसेप्ट है ठीक है पहला दो भूल जाओ वो तो नॉर्मल है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जहां पे ब्लैंकेट रेट वर्ड यूज किया है और दूसरा डिपार्टमेंटल रेट है अब ब्लैंकेट रेट का मतलब ये हुआ गाइस ब्लैंकेट रेट का मतलब ये हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री है ब्लैंकेट रेट का मतलब ये हुआ सारे के सारे डिपार्टमेंट का एक सिंगल रेट आएगा मैं मतलब ये हुआ आप जी हाँ ब्लैंकेट रेट के अंदर क्या करना है सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए एक सिंगल रेट आपको कैलकुलेट करना है सपोज आपको बोला है मशीन रेट कैलकुलेट करो तो टोटल ओवर रेड अरे टोटल ओवर रेट में क्या क्या पीडी वन पीडी टू पीडी थ्री ये टोटल ओवर रेड आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मशीन अवर्स ये जो भी कुछ डिपार्टमेंट है इनके मशीन अवर्स आपको ऐड करना पड़ेगा इसको बोलते इज ब्लैंकेट रेट एक सिंगल रेट रहेगा सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको टोटल लेना पड़ेगा ओवर रेड का आपको जो है वो ओवर का टोटल लेना पड़ेगा सारे के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड का टोटल ले लिया डिवाइड कर दिया टोटल मशीन अवर से लेकिन अगर आपको बोला है नहीं भाई ब्लैंकेट रेट फॉलो मत कर डिपार्टमेंटल रेट फॉलो कर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट अलग आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू का रेट अलग आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री है उसका रेट अलग आएगा ब्लैंकेट रेट में सारे डिपार्टमेंट का एक रेट आएगा लेकिन डिपार्टमेंटल रेट अगर बोला है तो हर एक का सेपरेट रेट जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है सुहानी जी ने क्वेश्चन पूछा ऐसा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में लेबर आवर पांच हजार होते तो दोनों डिपार्टमेंट में मशीन आवर यूज करते ना जी हा लेकिन आ, सुहानी जी मैं आपको बता दू इतना माइन्यूट डिफरेंस नहीं देंगे आपको साइजेबल डिफरेंस देंगे एक जगह पे एक लाख दूसरी जगह पे दस हजार एक जगह पे पांच लाख दूसरी जगह पे तीस हजार तो साइजेबल डिफरेंस देंगे ऐसा कट टू कट डिफरेंस नहीं देंगे चलेगा। बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आया ब्लैंकेट रेट बोला तो सारे डिपार्मेंट की, की टोटल ले लो मशीन की, की, की टोटल या फिर की टोटल, की टोटल, की टोटल, जो भी कुछ रेट आपको दिया रहेगा so, करने का ब्लैंकेट रेट बोला है, तो एक सिंगल रेट आएगा डिपार्टमेंटल रेट बोला है, तो जितने डिपार्टमेंट है उतने आपके रेट्स आएंगे जितने आपके डिपार्टमेंट उतने आपके रेट्स आएंगे बॉयज एंड गर्ल्स इसके बाद आपको जो है वो कॉस्टशीट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन आता है कॉस्टशीट और आपको बोला जाता है कि एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर के लिए मटेरियल का कॉस्ट लगा है दो हजार रुपए का उसके लिए लेबर का कॉस्ट लगा है आपको एक हजार का और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू है उसके वर्किंग आवर्स लगे हैं सपोज एक हजार और यहां पे वर्किंग आवर दिए है सपोज दो हजार तो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए क्या करना पड़ेगा मटेरियल ले लिया आपने दो हजार रुपए का लेबर ले लिया आपने सपोज एक हजार का इसमें आपको ऐड करने का ओवरहेड ओवरहेड में ऐड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू ठीक है सो so, आपने रेट कैलकुलेट किया सपोज वन थाउजेंड इंटू पॉइंट फिफ्टी रेट है तो पांच सौ रुपया एड कर दिया टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एक रुपया रेट है दो हजार रुपए एड कर आ गया आपका टोटल कॉस्ट सो ऐसे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पे हम लोगों को जो है वो टोटल लेना पड़ता है सो so, यहां तक हमारा पहला पार्ट ओवर टॉपिक का कंप्लीट हो गया ओवर रेट कैलकुलेट करना है और क्वास्टशीट प्रिपेयर करना है ओवर रेट कैलकुलेट करना है और क्वास्टशीट प्रिपेयर करना है यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है सारे मेथड्स हमने देखे ट्रायल एंड एरर मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड स्टेप लैडर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ये सारे के सारे हम लोगों ने कंसिडर किए फिर ब्लैंकेट रेट और डिपार्टमेंटल रेट ये अलग से हम लोगों ने वर्कआउट किया है एंड मैं आपको बता दूं ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर गायज आपको कोई नया टेबल प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में और ट्रायल एंड एरर में एक अलग से टेबल बनाते हैं इधर ऐसा कुछ हो नहीं करना यहां पे सिर्फ पीडी वन का टोटल ले लो पीडी टू का टोटल ले लो हो गया ये फाइनल आंसर है आपका एस डी वन एस डी टू जीरो हो जाता है एंड में ठीक है सो so, ऐसा आपको वर्किंग करना है सो so, इस पे कोई आपको स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इस पे आपको कोई स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो बिल्कुल बिंदास आप जो है वो पूछ सकते हैं यहां तक जो हमने किया उसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो जी आ, ये नोट्स में शेयर करो डोंट वरी सिर्फ मुझे एक आधे मिनट का टाइम दो ये जो नोट्स है मैं इमीजिएटली शेयर कर रहा हूँ तब तक अगर किसी को डाउट रहेगा ना तो बिंदास डाउट पूछिएगा गाइस नोट शेयर कर देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में डोंट वरी एट ऑल मुझे आधा सेकेंड आधा मिनट लगेगा ये वर्किंग करने के लिए रिकॉल हो रहा है अच्छे से गाइस रिकॉल हो रहा है अच्छे से जी अटल में गाइस। रिकॉल हो रहा है अच्छे से ऑल क्लियर मजा आया सर आज के लेक्चर में मुझे तो बहुत मजा आया आज के लेक्चर में लिटरली क्लास yes. कब तक चलेगा ओनली टेन टू फिफ्टीन मिनट्स कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सो so देट आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो सो टेन फिफ्टीन मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेता होगा गाइस प्लीज बाकी आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे जोरदार आपने पढ़ाई स्टार्ट किया रहेगा आ गया गाइज आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में नोट्स मैंने डाल दिया है आई एम सॉरी वो रह गया था कुछ लोगों ने मुझे रिमाइंडर भी डाला लेकिन वो गलती से मिस्टेक हो गया गाइज आई एम सॉरी फॉर देट चलिए मिला सबको रिवीजन लेक्चर कितने चैप्टर के आएंगे सर अरे ईच एंड एवरी चैप्टर का रिवीजन आएगा ऋषिकेश जी हर एक चैप्टर का रिवीजन आएगा और इतना ही डिटेल रिवीजन रहेगा गाइस सबको मिल गया ये डिस्क्रिप्शन में चेक करो ना चलो चेतन बोल रहे मिल गया नहीं बाकी लोगों को मिला ही रहेगा चलिए डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो है वहां पे ये बाकी लोग रिप्लाई करो चलो जल्दी जल्दी फटाफट -फड़ से चलिए साहिल बोल रहे है, सब चैप्टर की रिवीजन कब तक खत्म होगी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा सर हर अल्टरनेटिव डे लेक्चर रहता है बस ये रिजल्ट की वजह से एक दो दिन मुझे लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं हुआ चलो अब यहां पे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर वन फॉलिंग अकाउंट्स बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडायरेक्ट चार्जेस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीन है एक्सवाइजेड सर्विस डिपार्टमेंट दो है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर का सैलरी शुभम गोरे इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लो ना तो ये क्या इंपोर्टेंट ही ना भाई तो और कितने क्वेश्चन करो भाई रिविजन लेक्चर है जी हाँ इंडाक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर सैलरी फ्यूल पावर रेंट रेट इंश्योरेंस कैंटीन चार्जेस डिप्रिसिएशन ये आपको जो है वो कॉमन एक्सपेंसेस और कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दिया हुआ है अब बॉयज एंड गर्ल्स इंडायरेक्ट मटेरियल कौन से रेशो के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडायरेक्ट मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन करने का टेंशन ही नहीं है डायरेक्टली आपको दे दिया है इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्टली आपको दे दिया है इसके बाद सुपरवाइजर का सैलरी डायरेक्टली आपको दे दिया एक ही डिपार्टमेंट को जाने वाला है अब फ्यूल एंड हीट जी हा फ्यूल एंड हीट कौन से के अंदर आप करेंगे रेडिएटर सेक्शन के रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्यूल एंड हीट रेडिएटर सेक्शन के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर कौन से रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस 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 पावर किलोवेट आवर्स पावर कौन से रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किलोवेट आवर्स नेक्स्ट वन रेंट एंड रेट्स कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है एरिया के रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसके बाद इंश्योरेंस इंश्योरेंस किसका है तो एसेट का एजुम करेंगे सो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के के रेशियो अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंश्योरेंस कैंटीन का चार्जेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली मशीन का, का रहेगा तो वो आपने कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है अब जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है फिर हम लोग वो एक्सपेंसेस का अपोर्सनमेंट भी देखते हैं रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है फटाफट से आंसर दीजिएगा डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है ओ भाई यार जल्दी आंसर दो रे खत्म करने का है रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है फटाफट से आंसर दीजिएगा जी हाँ ये रेसिप्रोकल है क्योंकि ए ने बी को बीस तक का सर्विस दिया और बी ने ए को दस तक का सर्विस दिया रेसी प्रोकल है रेसिप्रोकल है।, okay. uh, है, है, है चलो ठीक है आंसर आ गया यहां पे ध्यान दीजिएगा अभी इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दिया था डायरेक्ट लेबर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दिया था सुपरवाइजर सैलरी बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दिया था हीट कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया रेडिएटर सेक्शन के रेशो के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया रेडिएटर सेक्शन रेडिएटर सेक्शन के रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया टू इज टू फोर इज टू सिक्स इज टू थ्री इट टू डे वो पावर किलो आवर्स के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बोला था किलोवेट आवर्स के रेंट एरिया इंश्योरेंस कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट कैंटीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ठीक है इससे आपका आ जाएगा टोटल ओवरहेड ओवरहेड का टोटल ले लिया फिर रीअपोर्शनमेंट किया ध्यान से करना वो रीअपोर्शनमेंट ध्यान से करना आपने जो है वो सैमलटेनिस इक्वेशन फॉलो किया गाइज बीस टक्का और दस टक्का है ए ने बी को बीस टक सर्विस दिया है एंड बी ने ए को दस टक्का सर्विस दिया है तो so, जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनेगा एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट टोटल ओवरहेड कितना है ए का थ्री लैख फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एक्स इज इक्वल टू थ्री लैख फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एंड वाई इज इक्वल टू ये आप आंसर देंगे देख के मत देना वाई इज इक्वल टू वन लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड कुशल जैन कितने मार्क्स का सम है ये हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया दस मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा चलो थ्री लैख फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आप मुझे बताएंगे दस तक और बीस तक का कैसे लेने का क्योंकि इधर ही काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ए ने बी को बीस तक का सर्विस दिया है बी ने ए को दस का सर्विस इक्वल टू वन लाख एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस पॉइंट ट्वेंटी एक्स जी, जी हा एकदम बराबर आंसर दे रहे शाबाश बच्चों तो आपको ये वर्टिकल देखना है ओके सो इक्वेशन सॉल्व करके आपका जो है वो x एंड y का वैल्यू आएगा इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा और आपका x एंड y का वैल्यू आएगा और x एंड y का वैल्यू आने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम मैंने कंसीडर किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम कंसीडर किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओवरहेड ले लिया मैंने फोर लैख सेवेंटी एट थाउजेंड एंड सो ऑन इसके बाद ए का रियपोर्शनमेंट किया बी का रियपोर्शनमेंट किया ए का रियपोर्शनमेंट किया एंड बी का रियपोर्शनमेंट किया ठीक है, है so, ये एक क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा आई नो सुवानी जी बोले बहुत ही पपलू क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हमने तो बहुत ही डिफिकल्टी लेवल भी कवर कर दिया है लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन या फिर ये एवरेज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है ओके गाइज चलिए सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो भी फटाफट से डिस्कस करते हैं एवरी वन नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन नंबर टू रेंट एंड रेट्स ठीक है रेंट एंड रेट दिया है जनरल लाइटिंग दिया है इनडायरेक्ट वेजेस पावर दिया है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इंश्योरेंस ऑन मशीनरी बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी से बताएगा रेंट कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा रेंट जाएगा आपका फ्लोर स्पेस के रेशो में जनरल लाइटिंग कौन से रेशो के अंदर जाएगा सर लाइट पॉइंट हा लाइट पॉइंट अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहता तो आ, आपका एरिया के रेशो में जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस कौन से रेशो के अंदर डायरेक्ट वेजेस के के अंदर ये लिखवा के दिया था पावर कौन से रेशो के अंदर गाइज हॉर्स पावर इंटू मशीन अवर्स पावर कौन से रेशो के अंदर जाएगा गाइज हॉर्स पावर इंटू मशीन अवर्स दिया है, देखो हॉर्स पावर दिया लेकिन मशीन अवर्स नहीं दिया सर, सर 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 मैंने जो एडजस्टमेंट बोला था वो आ गया देखो वर्किंग अवर्स प्रोडक्शन अवर्स आर नॉट मशीन अवर्स ये आज ही मैंने डिस्कशन किया है क्योंकि आप चेक कर सकते हो हॉर्स पावर है सर्विस डिपार्टमेंट वन का हॉर्स पावर दिया है दस लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट वन का प्रोडक्शन अवर दिया ही नहीं है तो याद रखना हॉर्स पावर इनटू मशीन अवर्स कब लेंगे जब स्पेसिफिकली मशीन अवर्ड वर्ड यूज किया है सर जी अगर आपको प्रोडक्शन अवर्स वर्ड यूज किया है या फिर एनी अदर अवर्स वर्ड यूज किया है तो ये हॉर्स पावर के रेशो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा चलेगा इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी के रेशो के अंदर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये भी जो है वो आपका रेसी रेसिप्रोकल मेथड है पहला दूसरे को सर्विस दे रहा है और दूसरा पहले को सर्विस दे रहा है क्वेश्चन के अंदर रिअपोर्समेंट वगैरह करना है रेट कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन आवर रेट टोटल ओवर आएगा प्रोडक्शन ओवर से डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन ओवर का रेट आएगा उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है तो guys, है है तो एक कंप्लीट कंप्लीट क्वेश्चन क्वेश्चन सारे के सारे स्टेप फॉलो किए डायरेक्ट वेजेस ओहो ओ भाई साहब डायरेक्ट वेजेस का आज का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको अगर याद आ रहा है डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंसीडर नहीं करेंगे डैश डैश डैश

सर जी यहां पे आपने गलती भी कर दिया तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा क्योंकि पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को टेन टेन परसेंट सर्विस दे रहा है दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को भी टेन परसेंट दे रहा है तो ये परसेंटेज उल्टा पुलटा हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं आपको मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि टेन इक्वल है सेमलटेनिस इक्वेशन सॉल्व किया एक्स और वाई का वैल्यू आया एक्स और वाई का वैल्यू आने के बाद वो जो टेबल है वो बनाया रीअपोर्शनमेंट का सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंसिडर किया सर्विस डिपार्टमेंट कंसिडर नहीं किया ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंसिडर किया सर्विस डिपार्टमेंट हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया ओके okay, नाउ जो टोटल एस वन का रियोर्समेंट किया किया टोटल ले लिया खत्म हो गया इसके बाद आपको ओवर कैलकुलेट करने के लिए बोला है ओवरहेड का रेट कैलकुलेशन करने के लिए प्रोडक्शन आवर्स यूज करेंगे तो टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल प्रोडक्शन आवर रेट आ गया सारे डिपार्टमेंट का रेट आ गया उसके बाद कौशिट बनाया मटेरियल का कॉस्ट लेबर का कॉस्ट आगे आपका प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने ओवरहेड्स ऐड कर दिए प्राइम कॉस्ट के अंदर ओवरहेड ऐड कर दिए कितना आवर से अगर आपने चेक किया कितना आवर्स लगता है अगर आपने चेक किया आप चेक कर सकते हो ये जो जॉब है वहां पे फाइव आवर्स लगता है थ्री आवर्स लगता है फोर आवर्स लगता है बस मल्टीप्लाई कर मेरे भाई फाइव आवर्स फोर आवर्स एंड थ्री आवर्स ऊपर जो रेट आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका कॉस्टशीट बन गया ये जबरा क्वेश्चन है गाइस। ये जबरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने एग्जाम के पहले देखा तो भी चलेगा क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट वेजेस का भी एडजस्टमेंट है हॉर्स पावर और मशीन आवर्स का भी एडजस्टमेंट है प्रोडक्टिव आवर्स का भी एडजस्टमेंट है और कॉस्टशीट भी बनाने का है सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पहले आप ये रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट ठीक है गाइज ये अभी आज हमने सीखा नहीं है एक चैलेंज क्वेश्चन आज आपको होमवर्क दे रहा हूं चैलेंज क्वेश्चन है अभी आपके पास तो आंसर भी है उसका गाइज क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क क्वेश्चन है स्टेप लैडर मेथड का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और ओवरहेड के ये जो भी कुछ क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर आगे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो करने वाले हैं वो सारे के सारे नए क्वेश्चन है सर मैक्सिमम क्वेश्चन नए हैं ये हमने नोट्स में सेवेंटी एट क्वेश्चन सोल्व किए हैं किए उस छोड़ के ये और क्वेश्चन कवर कर रहा हो गाइज और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आपको होमवर्क करना है ठीक है थैंक यू सो मच गाइज एंड सॉरी फॉर यस्टरडे लेक्चर नहीं हो पाया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट आई ट्राइड माई बेस्ट लेकिन वो हो नहीं पाया सो so, कल इमीजिएटली कल मैक्सिमम यानी कल जो है वो हम लोग इसका जो पार्ट टू है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे थैंक यू सो मच गाइज लेक्चर टेक केयर ऑल अब आपको करना क्या है ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे क्वेश्चन एक बार देख लो स्टेप लैडर के सारे क्वेश्चन एक बार देख लो फिर कल अंडर एक्सोशन और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू सो मच गाइस, सी इन नेक्स्ट लेक्चर जी हाँ और, अगर आपको लग रहा है इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा एंड जी हाँ लाइक एंड शेयर तो करना ही है आपको ठीक है थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर एंड गाइज फुल फ्लेज पढ़ाई कीजिएगा जोरदार पढ़ाई कीजिएगा गाइज बस अभी कुछ थोड़ा ही टाइम एग्जाम को बाकी है सुपर पढ़ाई कीजिएगा मेक यूर पेरेंट्स एंड योर टीचर प्राउड ऑफ योर सेल्फ चलेगा थैंक यू सो मच गाइस नेक्स्ट लेक्चर कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा कल का जो टाइमिंग है वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा यही रहेगा सेवन टू एट के बीच में थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज जी हाँ एंड uh, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि सर अभी आप वी स्मार्ट में नहीं पढ़ाते दे क्या uh, ऐसा नहीं है आई एम मैं हू वी स्मार्ट में और वी uh, स्मार्ट में भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है ठीक है सो so, आप मेरे जो लेक्चर है वो वी स्मार्ट एकेडमी से परचेस कर सकते हो या फिर यानी आपके अगर फ्रेंड्स को अगर आपको बताना है तो स्मार्ट अकेडमी तो हुई है वील अकेडमी विजय साढ़ा उनके पास भी लेक्चर अवेलेबल है दर्शन खरे सर का जो वाऊ क्लासेस है वहां पर भी लेक्चर अवेलेबल है सो काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि सर वी स्मार्ट छोड़ दिया क्या आंसर इज नो आई एम स्टिल इन वी स्मार्ट लेकिन ये एक नया वेंचर है नया कुछ एडजस्टमेंट है पार्ट ऑफ वी स्मार्ट ठीक है अरे गिटार कब बजाएंगे श्योर 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 बजा दूंगा कि सर ये लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ हम लोग करेंगे कल का टाइम अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा एंड सॉरी आज मैंने एकदम एंड पे टाइम डाला हुआ है मैं कल का टाइम एडवांस में डाल दूंगा फुल डे अब मेरा लेक्चर्स रहता है इसकी वजह से थोड़ा आज दिक्कत हो गया थैंक यू सो मच गाइस द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर ऑल चलो 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 साइन आउट करो फटाफट से पढ़ाई करते रहो गाइस आज जो वो बीस पच्चीस क्वेश्चन जो है वो आज पूरे देख लीजिएगा गाइस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है देख लो सिर्फ गो थ्रू हो जाइएगा सारे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर आपने अगर मेरे लेक्चर नहीं लिए आपने जीसीबी भी फैकल्टी का लेक्चर लिया हुआ है आपने ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का रीअपोर्समेंट का जो भी कुछ क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट कीजिएगा कल तो तोड़ मजा आएगा जहां पे हम लोग अंडर एप्सन और वाले हैं ठीक है चलो साइन आउट कर रहा हूं बाय बाय टेक केयर